देखो आज हम बात करेंगे फूड चेन में एनर्जी ट्रांसफ़र की किसी भी फूड चेन में एनर्जी कहाँ से आती है और फिर कैसे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होती है या फिर कैसे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी जो है यूटिलाइज होती है ठीक है जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबको अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए सन पे डिपेंड रहना पड़ता है और अदर मटेरियल्स जो हैं वो ऑप्टेन कहाँ से करते हैं अर्थ से ऑप्टेन करते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें उन्हें जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो सन से पूरी करनी है वेदर इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ठीक है ऐसे जो अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए रिपेयर के लिए मेंटेनेंस के लिए या प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सारे न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलते हैं अर्थ से वो डायरेक्टली भी ले सकते हैं और इनडायरेक्टली भी ले सकते हैं ठीक है जैसे हम जो हैं जो एनर्जी ऑप्टेन करते हैं वो कहाँ से ऑप्टेन करते हैं फूड से और फूड कैस कैसे प्रिपेयर होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू और फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट किसकी होती है सनलाइट की तो हमारे पास एनर्जी कहाँ से आई सन से हम कह सकते हैं सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ठीक अब हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो कहाँ से आए जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस से कन्वर्ट हुए और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहाँ से आए अर्थ से अर्थ से कैसे आए फूड प्रिपेयर होता है फूड से हमारी बॉडी में आए ठीक है या फिर हम वाटर में डिजॉल्व इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज ले लेते हैं और वाटर भी कहाँ से आता है अर्थ के ऊपर ही होता है ठीक है तो ऑल द ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन सन फॉर देयर कॉन्स्टेंट नीड ऑफ एनर्जी सन एनर्जी एंड ऑन अर्थ फॉर मेटीरियल्स अर्थ पे किस किस के किस के लिए डिपेंड करते हैं मेटीरियल्स के ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन देखो सन है चाचू बेचंदा मामा तो सन चाचू हो गए हमारे ठीक है ये प्लांट तो प्लांट्स पे जितनी भी एनर्जी फॉल करेगी उसका वन परसेंट जो है ना प्लांट यूटिलाइज करेंगे यानी कि वन परसेंट एनर्जी को वो कन्वर्ट करेंगे किसमें फूड मटेरियल में और यूटिलाइज करेंगे बॉडी अबाउट वन परसेंट ऑफ द सन्स एनर्जी फॉलिंग ऑन द लीव्स जितनी भी प्लांट पर एनर्जी पड़ेगी उसका वन परसेंट मतलब अगर सौ जूल पड़ी थी तो एक जूल एनर्जी यूटिलाइज हो गई इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिथिस एंड स्टोर्ड हैज केमिकल एनर्जी ऑफ फूड बस वन परसेंट एनर्जी ही यूटिलाइज होकर स्टोर होती है फूड के फॉर्म में अदरवाइज बाकी सारी क्या होती है वेस्ट हो जाती है ठीक है फूड के फॉर्म में जो स्टोर होगी वो बस एक परसेंट होगी अब ट्रांसफर देते हैं पूरा फ्लो क्या है हमारे पास देखो पहली चीज़ तो यह कि एनर्जी क्रिएट नहीं होती किसी भी कहीं भी इको में एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड इन द इको एनर्जी इज ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर पहले सनलाइट से आ रही थी हीट एनर्जी हीट एनर्जी से किस में कन्वर्ट हो केमिकल एनर्जी ऑफ फूड और फिर उस केमिकल एनर्जी ऑफ फूड को आगे ट्रांसफर किया ठीक है क्रिएट कहीं नहीं होगी क्रिएट केवल सन में ही होगी दर इज अ कंटिन्यूस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द नेक्स्ट लेवल इन अ फूड चेन प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में ठीक है कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्सरी कंज्यूमर एनर्जी का फ्लो होगा कंटिन्यूस ठीक है और ऐसा नहीं कि जितनी एनर्जी यहां होगी उतनी आगे चली जाएगी थोड़ा कम होती जाएगी लेकिन फ्लो कंटिन्यूस होगा ठीक है और यूनिडायरेक्शनल होगा हर लेवल पे कुछ एनर्जी लॉस होगी पक्का जैसे प्लांट है यहाँ से भी कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी जो प्राइमरी कंज्यूमर है यहाँ से भी कुछ एनर्जी लॉस होगी सेकेंडरी कंज्यूमर से भी कुछ एनर्जी लॉस होगी और कंज्यूमर से भी एट ईस्ट टॉपिक लेवल सम ऑफ द एनर्जी इज यूटीलाइज बाई देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी अब जो प्लांट है इनके पास जितनी भी एनर्जी इन्होंने बनाई थी मतलब फूड के फॉर्म में स्टोर की थी उसमें से कुछ यूटिलाइज कर लेंगे कुछ आगे ट्रांसफर कर देंगे ऐसे ही जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो कुछ अपने डेली वर्किंग के लिए यूटिलाइज कर लेंगे बॉडी की रिपेयर के लिए ग्रोथ के लिए और बाकी आगे ट्रांसफर कर देंगे अ पार्ट ऑफ एनर्जी एट ईस्ट ट्रॉपिक लेवल इज यूटिलाइज फॉर द फंक्शनिंग ऑफ डिकमोजर एक पार्ट एनर्जी का किसके लिए यूज होता है डिकम्पोजर की फंक्शनिंग के लिए भी यूटिलाइज होता है डिकम्पोजर भी तो यूटिलाइज करेंगे एनर्जी को ठीक है देर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी एट ईस्ट ट्रॉपिक लेवल विच गोज इन टू एनवायरमेंट एंड रिमेन अनयूटिलाइज जो भी इतने ट्रॉपिक लेवल से हर ट्रॉपिक लेवल पे कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस पक्का होगा और वो जो भी लॉस होगा एनर्जी का वो क्या होगा एनवायरनमेंट में चली जाएगी और अनयूटिलाइज होगी अभी मैंने ये थ्योरेटिकल बता दिया अब मैं इसका एक फ्लो डायग्राम बताऊंगा तो उससे तुम्हें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ठीक है